बायोपिक की तैयारी में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रईस के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपना सारा समय अब मंटो को देने की तैयारी में है। वो नंदिता दास के डायरेक्शन में बन रही उर्दू के मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो की बायोपिक में मंटो की भूमिका निभा रहे हैं। पर्दे पर मंटो की भूमिका निभाने के लिए नवाज इन दिनों पूरी तरह से देश दुनिया से दूर जाने का प्लान बना चुके हैं। मार्च में इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही शुरू की जाएगी। अपने किरदार की तैयारी के लिए नवाजुद्दीन इन दिनों असल जिंदगी में मंटो का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने इस बारे में बताया कि ये नंदिता दास के रिसर्च का ही नतीजा है कि मैं मंटो को इतने अच्छे से समझ पा रहा हूँ। इस किरदार में ढलने के लिए मैं अब उनकी तरह ही कपड़े पहनता हूँ। मैंने अपने आप को फिलहाल लोगों से दूर कर लिया है। ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही मैं किसी से बात कर रहा हूँ। मंटो को अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की तरह खाना खाने, बोलने और चलने फिरने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि वो जिस तरह के बिस्तर पर सोते थे, मैं उसी तरह के बिस्तर पर सो रहा हूँ। इस तरह से मैं उन्हें अपने असल जिंदगी में हर तरह से महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं मंटो को पर्दे पर उतार पाने में सक्षम हो जाऊँ। नवाजुद्दीन ने कहा कि रईस के बाद मेरा सारा फोकस अब केवल मंटो पर ही रहेगा। मैं इसके अलावा अब किसी और फिल्म पर काम नहीं करना चाहता हूँ। दूसरे काम को हाथ में लेकर मैं मंटो के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता हूँ।